भाग रही है गोपी। और उसके साथ भाग रहा है जग्गी भी। गोपी भागते भागते गाड़ी से टकरा भी गई। हालांकि ये गाड़ी गलत थी जिससे गोपी टकराई है, तो डायरेक्टर साहब ने फिर से भागने का आदेश दिया। कड़े 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 आपने दूसरी गाड़ी पकड़ ली। सही गाड़ी से टकराने के बाद ही जग्गी उसे समझाते हुए सड़क के किनारे ले गया और रोती हुई गोपी को चाय की एक टपरी से पानी लेते हुए उसे पानी पिलाते हुए समझाने लग गए कि रो मत पगली, रमाकांत मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। प्लीज जाइए ना रमाकांत को ले आइए, मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज जग्गी जी जाइए प्लीज जाइए ना। और देखिए जग्गी ने कहा और रमाकांत आ गया और गोपी ने रमाकांत की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की। जी हाँ, गोपी कर रही है अपने ही बेटे की चुगली। बेटा नालायक, बेटा नालायक, बेटा बोलता है माँ की साइकिल से बाहर निकली है, ऐसा नालायक बेटा। हीरो दमदार है या हीरोइन, इस पर बहस चल रही थी और रमाकांत अपने आप को कहीं फंसते हुए देखकर हाथ जोड़कर वहां से चला गया, मगर जाते जाते अपने पापा जैसे दिखने वाले जग्गी से गले भी मिलते गया ताकि कहीं किसी को कुछ बुरा ना लगे। हीरो ज्यादा पावरफुल है, बोला नहीं था, बोला खाओ मेरी कसम। नहीं बोला था, इन्होंने कहा था, इन्होंने तो हीरो हीरोइन कह रहे थे, मैंने कहा हीरोइन से ज्यादा हमेशा हीरो ही पावरफुल है। अरे और बोला ऐसे ऐसे क्या के बोला, पावरफुल रहता है भगवान। ले ले हट ना बेबी सामने, ले ले वो बोले भाई पानी दो, हाथ जोड़ता पानी दे, पानी दो हाथ जोड़ता पानी देना। और हां, वहीं से शायद अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए गोपी अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे लेकर चली गई। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।